गाइस हम नीचे से 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर हो रहा है भवन। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भवन 3 किलोमीटर। माता के सॉन्ग चल रहे हैं, ये स्पीकर्स लगे हुए इनके अंदर। बाकी ये बंदर है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं। डंडा दिखाओ तो काटने को भाग रहे हैं। ये देखो ये देखिए बंदर। छोटा सा बंदर का बच्चा देख सकते हैं। गाइस यहाँ से भवन है हमारा 2.50 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर हो रहा है यहाँ से भवन। आप इधर देख सकते हैं कितनी गहरी खाई। जाना ऊपर इस पहाड़ के परली तरफ, उधर है माता का भवन, तो उधर जाएंगे माता के दर्शन करने। इधर ये डेंजर स्लाइड पत्थर, यहाँ से पहाड़ पत्थर ऊपर से आके गिरते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है यहाँ ना रुकें, डेंजर स्लाइडिंग है, यहाँ पत्थर आते रहते हैं। ओके, धूप अच्छी निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हो आप। शूटिंग स्टोन एरिया बी केयरफुल। देखिए गाइस गहरी खाई। पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ मत बैठें। गाइस ये देखिए पहाड़ ऊपर से ना गिरे, इस वजह से इन्होंने शाइन बोर्ड वालों ने ये जाल लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर गिरे हुए हैं तब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये टीने टूटी हुई है, यहाँ से पत्थर गिरे हुए हैं। बस अब भवन थोड़ी सी दूर हो रहा है, पहुँचने ही वाले हैं भवन पे। और ये देखिए नीचे से कितने ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए माता दी। आओ क्या हो गया, आओ चलते हैं।
ये इधर भी टीने टूटी हुई हैं पत्थर गिरने की वजह से। ये देखिए नीचे कितनी गहरी खाई है, यहाँ से तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, बादल में छुप गए, कटरा बादलों में छुप गया, देखो दिखाई भी नहीं दे रहा जरा सा भी। चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे। यहाँ से भी पत्थर गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं ग्रिल लोहे की, मतलब पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पर भी। कल बारिश आ रही थी, आज बारिश तो नहीं आ रही, मौसम भी अच्छा सही है, आज धूप निकली हुई है लेकिन हवा ठंडी चल रही है यहाँ पर। भवन आने वाला है अब यहाँ पर, कुछ ही देर में भवन। गाइस बंदर, इधर बंदर बैठे हैं, उधर लंगूर बंदर बैठे हैं, ये देखिए लंगूर बंदर, अभी दिखाते हैं आपको लंगूर बंदर बैठे, ये बैठे ऊपर बंदर आप देख सकते हैं। इधर ये तीन प्राणी भी बैठे हुए हैं। ये बंदर सो रहे हैं, चला जाओ उधर, काटने आ रहा है आ ही गया था वो, तो मैंने डंडा ले लिया एकदम। देखो लंगूर बंदर, इनकी पूछे देखो कितनी लंबी है। वो देखिए लड़ाई बंदरों की, लंगूर बंदर, माता के भवन पे कितने लंगूर बंदर देख सकते हैं आप। बंदरों के बच्चे छोटे छोटे,
और गाइस आप देख सकते हैं ये बर्फ़ गिरी हुई है सामने, ये वाइट वाइट ये सारी बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, और वहां ऊपर भैरव बाबा है। ऊपर बादल, बादलों में पहाड़ छुपे हुए हैं। ये देख लीजिए ऐसी उधर का, यहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, पत्थर गिरे हुए हैं इधर भी। देख लीजिए कैसे वो ऊपर पत्थर रोकने के लिए जाल लगा रखा है। ये देखिए कैसे जाल लगा रखा है, पर 750 मीटर हो रहा है भवन। गाइस ये रहा माता का भवन, आप देख सकते हैं। ये माता का भवन है, देख सकते हैं। बस यहाँ से पत्थर आगे गिरा है, अभी ऊपर से पत्थर आगे अब भी गिरा है। यहाँ से पक्का पत्थर गिरे होंगे तभी ये लगा रखे हैं स्पॉट्स पत्थर रोकने के लिए। ये देखो ये लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी है लंगूर बंदर। ये देखिए पत्थर गिरे, ये देखिए शैतानी कर रहे हैं लंगूर बंदर। अब देख सकते हैं कैसे ऊपर पत्थर भी गिरे हैं, ये देखिए मस्ती कर रहे हैं बंदर। पत्थर रोकने के लिए कैसे जाल लगा रखे ऊपर, देख सकते हैं नीचे खाई। ये देखिए पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए जाल लगा रखा है सेफ्टी के लिए। पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ ना रुके, कृपया तेज चले। सही कह रहे हैं, पत्थर गिर भी सकते हैं जिस हिसाब से पत्थर में तरेड़ाई हुई है। ये देख सकते हैं आप नीचे की खाई, और ये देखिए हम माता के भवन पहुंच चुके हैं।
वो उधर सामने सीधा माता का भवन सामने बिल्कुल। और गाइस माता का भवन आप देख सकते हैं। तो ये इधर रोपवे है, फिलहाल रोपवे बंद कर रखा है। ये वायर श्री रोपवे की ऊपर भैरव बाबा तक, लेकिन बंद कर रखा है रोपवे खराब होने के कारण। बाकी हम फाइनली भवन पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ से माता का प्रसाद लेंगे, फिर माता के दर्शन करेंगे।